पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान घायल होने के करीब चार दिन बाद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने रविवार को व्हीलचेयर पर कोलकाता में एक रोड शो का नेतृत्व किया। बनर्जी के साथ टीएमसी के वरिष्ठ नेता थे और वो हाथ जोड़कर भीड़ का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखे, जबकि सुरक्षा कर्मी उनकी व्हीलचेयर को पकड़ कर आगे बढ़ा रहे थे। बनर्जी नंदीग्राम दिवस के मौके पर मायो रोड से हाजरा मोड़ तक 5 किलोमीटर लंबे रोड शो में शामिल हुए। टीएमसी 14 मार्च को नंदीग्राम दिवस के तौर पर मनाती है। पार्टी 2007 में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान 14 मार्च को पुलिस की गोलीबारी में मारे गए 14 ग्रामीणों की याद में ये दिवस मनाती है। रोड शो से पहले ममता बनर्जी ने ट्वीट किया कि पूरी ताकत से मेरी लड़ाई जारी रहेगी, मुझे काफी दर्द हो रहा है लेकिन मैं महसूस कर रही हूँ कि राज्य की जनता के दर्द मेरे दर्द से काफी ज्यादा है। इस बीच चुनाव आयोग अपने फैसले में कहा कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान हमला नहीं हुआ था। आयोग ने कहा कि ममता पर हमले के कोई सबूत नहीं है, ये एक हादसा था। आयोग ने दो विशेष चुनाव पर्यवेक्षकों और राज्य सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि तृणमूल कांग्रेस की नेता बनर्जी को जो चोटें आई हैं वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे कर्मियों की चूक का परिणाम है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी 10 मार्च को नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान बुरी तरह घायल हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 10 मार्च को जब वो चुनाव प्रचार कर रही थी तब उन पर किसी ने हमला किया था।